लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी हम प्लेइंग 11 दिखा देते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 इस मैच से पहले एक बड़ा डिबेट चल रहा था कि मार्नस लाबुशेन खेलेंगे या मार्कस मार्कसट खेलेंगे वर्सेस मार्कस का ये आ, एक डिबेट भा, चल भा, रही भा, थी भा, लेकिन यहां पर जो प्लेइंग 11 है वो हम आपको बता देते हैं ट्रेविस हेड डेविड वॉर्नर मिचिल मार्श स्टीव स्मिथ मार्नस लाबुशेन जॉश इंग्लिस ग्लेन मैक्सवेल पैट कमिंस मिचेल स्टार्क एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड यह है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 यानी कि यहां पर ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनेस को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया है चार फास्ट चार मेन बॉलर्स इनके पास हैं मिचेल स्टार्क एडम जैम्पा जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस और जो आखिरी के जो दस ओवर हैं वो वहां पर ग्लेन मैक्सवेल ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के साथ इनको कराना पड़ेगा साउथ अफ्रीका की भी प्लेइंग की बात कर लेते हैं यहां पर भी एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है साउथ अफ्रीका ने लुंगी एनगीडी को ड्रॉप किया है hmm. क्विंटन डिकॉक तेंबा बबूमा क्लासन डेविड मिलर मार्को येंसन केशव महाराज जेराल्ड कोटजी कगीसो रबाडा और तबरेज शमसी यहां पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो रही थी कि तब्रेश शमसी खेलेंगे या कोट्जी खेलेंगे लेकिन यहां पर तब्रेश शमसी भी खेल रहे हैं कोयटसी भी खेल रहे हैं और ड्रॉप हुए हैं लुंगी एनगीडी कपिल भाई के पास वापस चलते हैं दोनों टीमों को हमने डिस्कस किया कपिल भाई सेंस बन रहा है इस डिसीजन का साउथ अफ्रीका की तरफ से क्योंकि हमने देखा कि यहां पर शायद कोलकाता की पिच को क्योंकि टर्निंग ट्रैक है थोड़ा सा यहाँ पे बॉल स्पिन होती है इसलिए दो स्पिनर्स खिलाए हैं और जो फास्ट बोलर को ड्रॉप करना था इस बार इन्होंने कोटे को ड्रॉप नहीं किया इस बार ड्रॉप किया है लुंगी एनगीडी को आपका क्या कहना है uh. देखिए सही फैसला दिखाई देता है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्योंकि दो स्पिनर यहाँ पर बनते हैं थोड़ा सा बॉल फंस कर आता है थोड़ा रुक कर आता है आ, तो मुझे लगता है कि सही फैसला और आप देखिए अगर कलकत्ता का कोलकाता का अगर हम रिकॉर्ड भी उठाकर देखें तो जो कुल उनतालीस वनडे खेले गए हैं उसमें से चौबीस बार ऐसा हुआ है पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है जी। तो बाद में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है और दक्षिण अफ्रीका मुझे लगता है कि जिस तरह की बैटिंग करिए साढ़े तीन के पार चार बार जाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं लेकिन अगर क्रंच मैच में आप 300 प्लस जाते हैं 325 30 जाते हैं तो फिर आपके पास एक बड़ी एडवांटेज होती है अंदर अंडर द लाइट्स तो मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका अभी तक जो कर सकता था उसने किया है टॉस जीता है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है सही टीम खेलाई है तो बहुत बड़ा चांस है पहली बार फाइनल खेलने का बहुत बड़ा चांस है दक्षिण अफ्रीकी टीम के पास लेकिन ऑस्ट्रेलिया जानता है बड़े मैच कैसे जीतने जीते जाते हैं